नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री महालक्ष्मी अष्टकम की व्याख्या जानेंगे। नमस्तेस्तु महामाय श्री पीठे सुरपूज्यते शंखचक्रदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये श्लोक श्री लक्ष्मी माता के प्रति आदर और समर्पण का व्यक्त करता है, जो माया और आदिशक्ति की प्रतीक है। नमस्ते गरुदारुए कोलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इसमें श्री लक्ष्मी माता को उनके वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होने के लिए स्तुति करता है, जिनका कोलासुर जैसे भयंकर दुष्ट के खिलाफ दिनी है। सर्वज्ञ सर्ववर्दे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्वधू हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस श्लोक में उन्हें सर्वज्ञ ज्ञानी सर्ववरदायिनी सभी वरदान देने वाली और सर्वदुख सभी दुखों का नाशक के रूप में पुकारा गया है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी। इसमें माँ महालक्ष्मी को सिद्धियों और बुद्धि की प्रदानकर्ता के रूप में बताया गया है। आद्यंत रहते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग सम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये दर्शाता है कि माँ महालक्ष्मी आदि से लेकर अंत तक सब कुछ है और वह परब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्म की सबसे ऊंची रूप में है। स्थूल सूक्ष्म महारौद्र महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इसमें माँ महालक्ष्मी की विशेष पहचान दी गई है, क्योंकि वह श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहने हुए धारण करती है और अनेक आभूषणों से युक्त है। पद्मास्थ में स्थित देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये चौपाई दर्शाती है कि माँ महालक्ष्मी पद्मासन में बैठी हुई है, जो एक स्थिर और ध्यान में रहने की प्रतीक होता है। वह परब्रह्म स्वरूपिणी है, यानी उनका रूप ब्रह्म परमात्मा का है, जो सर्वशक्तिमान और अद्वितीय है। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस चौपाई में माँ महालक्ष्मी को श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहने हुए और अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त दर्शाया गया है, जो उनकी महिमा और समृद्धि की प्रतीक है। वह जगत संसार के अंदर स्थित है और वही संपूर्ण जगत की माता है। ये चौपाया से माँ महालक्ष्मी अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती है। उनका आध्यात्मिक रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे संसार में धन सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक के रूप में पूज्य हैं, जिसका मान्यता उनकी पूजा और स्तुति के माध्यम से किया जाता है। धन्यवाद।